हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारे हो चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइन बाई, हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है उसके लिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, हमें तीन फंक्शन दे रहे, किस किस पॉइंट पे, 2 और 10 पॉइंट के लिए दे रखा है। हमारे पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेट लेस देन या इक्वल टू 2 होगी। ए एक्स प्लस बी कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी और लेस देन 10 होगी। 21 है कब, जब x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 है। इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन, आपको बोल रखा है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इन दोनों पॉइंट से हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे, एक 2 से इक्वेशन आएगी, एक 10 से इक्वेशन, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, 2 के लिए कॉन्टीन्यूस है, एफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। एफ टू हमारे पास कितना है, 5 दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन क्या है, 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एच और फंक्शन क्या है 5, तो एज इट इज आ जाएगा 5। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एच और फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस से बी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ए एक्स की जगह क्या करेंगे 2 प्लस एच प्लस से बी, एच हमारे पास अंदर अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए प्लस से ए एच प्लस से बी, एच टेंस टू 0 है, ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा 2 ए प्लस से बी। अब हमारे पास क्या था, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये दोनों, ये एफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो इक्वल हैं, इसके इक्वल रख देंगे 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। सेकेंड हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है, 10 के लिए, फिर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10 के लिए, तो क्या आएगा एफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एफ 10 इज इक्वल टू फंक्शन क्या दे रखा है 21, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है एक्स टेंस टू 10 माइनस एच और फंक्शन क्या ए एक्स प्लस से बी, ए एक्स की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस एच प्लस से बी, लिमिट एच टेंस टू 0 10 ए माइनस ए एच प्लस से बी, एच टेंस टू 0 है ये 0 हो जाएगा, क्या आया 10 ए प्लस से बी। फिर राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कितना दे रखा है 21, कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ क्या आएगा 21, तीनों को इक्वल रखेंगे हम, एफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या आया 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 21 के, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, 2 माइनस 10 क्या आएगा माइनस 8 ए इज इक्वल टू 5 माइनस 21 माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, ए की वैल्यू को फिर हम बी के फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, 2 ए की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जा 4, 4 को इधर लेके आएंगे, 5 माइनस 4 क्या आया 1, ये थी हमारे पास बी इज इक्वल टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, शो दैट फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन, आपको ये दे रखा है, ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अभी तक हमारे पास आया था कोस का स्क्वेयर, अब हमारे पास किसका आया है एंगल का स्क्वेयर। कैसे, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारे पास जैसे हम अभी तक कर रहे हैं वो, दूसरा हमारे पास है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज में करते हैं 1.3 में, एक हमारे पास वहाँ से आएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी अप्लाई करेंगे, कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो एट सी निकालेंगे, एफ ऑफ सी कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच, कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे सी माइनस एच का स्क्वायर कोस, अब एच हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख देंगे कोस सी स्क्वायर। इसी तरह फिर हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे एक्स टेंस टू सी प्लस एच कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे सी प्लस एच का होल स्क्वायर,
एच हमारे पास ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कॉस ऑफ सी प्लस ज़ीरो का स्केयर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ सी स्केयर। तीनों के तीनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, कॉन्टीन्यूस। उसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड है उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें एफ ओ जी जी ओ एफ जी ओ एच इसके बारे में पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे फंक्शन को। कैसे, लेट एफ एक्स को हमने सेपरेट कर लिया, जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। जी एक्स तो हमने क्या मान लिया, कोस, और साथ में इस पूरे का नाम क्या दे दिया, एक्स। एंड एच एक्स हमने क्या मान लिया, इसका जो एंगल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर। अब जी ओ एच एक्स, अगर हम जी ओ एच एक्स निकालते हैं तो कैसे, जी और एच एक्स इसका मीनिंग क्या है, जी लगा दिया हमने फंक्शन किस पे, एच एक्स पे, एच एक्स फंक्शन लगा दिया जी पे, जी को बाहर रख लेंगे। एच एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। इट मीन्स क्या है, जी के अंदर जहाँ एक्स है उसको किस में रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, कॉस। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास वही फंक्शन एच। अब हमारे पास जो एच एक्स है वो क्या है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या होती है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। एज एच एक्स इज ए पॉलिनोमियल दैट इज ए कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल क्या होती है, हर एक जगह पे क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। एंड जी एक्स हमारे पास क्या है, कोस एक्स, और कोस एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। और जब इन दोनों को मिलाने से एक कंपोजिट फंक्शन बनता है तो कंपोजिट बाय टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। जब इन दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शंस को मिलाने से एक फंक्शन बना है तो वो भी क्या होगा, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ कोस एक्स। वी विल सेपरेट द फंक्शन, हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को सेपरेट कर लिया। कैसे, एफ एक्स हमने क्या ले लिया, मोड ऑफ कोस एक्स, और जी एक्स हमने क्या ले लिया, कोस एक्स। एंड ये हमें दे रखा है, इसको हमने सेपरेट कर लिया कोस एक्स, और एक को कर लिया मोड एक्स के अंदर। एच ओ जी, एच ओ जी निकाल लेंगे तो क्या आएगा, एच को बाहर रख लेंगे, अंदर क्या आएगा, जी एक्स। एच को बाहर रख लिया, जी एक्स क्या है, कोस एक्स। अब एच जो फंक्शन है वहाँ एक्स की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, कोस को, तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ कोस एक्स। एच एक्स कैसा फंक्शन है, मॉडुलस है, एच एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। इट इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, मोड हमेशा हर एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूस होता है। एंड जी एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। और जब दोनों फंक्शंस को मिलाने से कोई कंपोजिट फंक्शन बना है, दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन को मिलाने से जो फंक्शन बना है वो भी कैसा आएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन आएगा। नेक्स्ट है 33, एग्जामिन दैट साइन एक्स, साइन मोड एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। लेट अस एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए। अब देखो दूसरे मेथड से बता रखा है इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स एट एक्स पॉइंट सी के लिए। एफ ऑफ सी तो क्या आ जाएगा, साइन मोड ऑफ सी, और सी का मोड क्या आएगा, सी आएगा, तो साइन सी। लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। साइन मोड ऑफ सी माइनस जीरो क्या आ जाएगा, साइन मोड ऑफ सी, और सी का मोड भी क्या आएगा, सी, तो क्या आएगा, साइन सी। राइट हैंड लिमिट के लिए भी ऐसे ही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच आ गया। लिमिट क्या है हमारे पास, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह हमने क्या किया, सी प्लस एच। एच हमारे पास क्या है, जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी प्लस जीरो क्या आ जाएगा, साइन मोड ऑफ सी, और सी का मोड भी क्या आता है, सी, तो क्या आ जाएगा, साइन सी। अब हमारे पास तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन को क्या बोल देंगे हमें, कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन। हमें क्या फाइंड करना है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, इस फंक्शन पे जितने भी डिसकॉन्टीन्यूटी हैं जिन जिन पॉइंट्स पे वो फाइंड करेंगे। देखो कैसे,
हमारे पास क्या क्या आएगी लिमिट एट एक्स, हमने क्या ले लिया कि एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन माइनस वन, यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में लेके गए माइनस वन हो गई, अगर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस वन, यहाँ माइनस वन आई ना, तो हम क्या कर दिया कि एट एक्स एक्स है हमारे पास वो लेस देन क्या है माइनस वन, तो फंक्शन क्या होगा अगर ये लेस है तो नेगेटिव में जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा माइनस एक्स माइनस है और ये अंदर क्या हो जाएगा माइनस बाहर लगा देंगे एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स प्लस वन, एक्स से एक्स कैंसिल क्या आया वन, तो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन के लिए फंक्शन क्या आया वन, एट माइनस वन से तो हमारे पास इक्वल हो या ग्रेटर हो और जीरो से छोटा, मीन्स माइनस वन के इक्वल या माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा, तो फंक्शन क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एक्स, क्योंकि ये जब हमारे पास फंक्शन आया ऐसा है तो क्या आएगा माइनस हो गया और अंदर जो है एक्स की वैल्यू हम जीरो रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या कर देंगे माइनस और ये क्या हो जाएगा अंदर एक्स, अब नेगेटिव के बजाय हमने फंक्शन कैसा लिया अंदर पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव ले लिया माइनस एक्स माइनस अंदर लेके गए माइनस एक्स माइनस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस से वन, एट एक्स है फिर एक्स हमने क्या ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा है तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस, ये भी पॉजिटिव होगा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस इसको अंदर लेके गए माइनस एक्स माइनस वन, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा माइनस वन, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया इसके लिए फंक्शन, फंक्शन हमारे पास ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स हमारे पास क्या लेस देन माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स लेक्स हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस टेन और लेस देन जीरो, माइनस वन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए, अब पहले हमने क्या किया है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के लिए प्रूव करेंगे, माइनस वन के लिए प्रूव करेंगे तो क्या आएगा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, सबसे पहले हमने एफ माइनस वन के लिए किया तो इक्वल के लिए फंक्शन क्या है माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे माइनस वन, तो माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या आ जाएगा टू माइनस वन, टू में से बन जाएगा वन, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट में इसमें से कुछ कम करते हैं, कम करते हैं तो फंक्शन क्या है वन, लिमिट माइनस वन माइनस एच क्या आ जाएगा फंक्शन वन आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और हमारे पास ये क्या है कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज वन, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस कर देंगे, अगर उसके अंदर प्लस करेंगे तो ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है माइनस टू एक्स माइनस वन, रिप्लेस कर दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू, एक्स की जगह हमने क्या रखा माइनस वन प्लस एच और माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू वन जा टू और माइनस टू एच माइनस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो है टू एच क्या हो गया जीरो, टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन, अब हमारे पास तीनों क्या आ गए वन, तो क्या बोल देंगे एफ माइनस वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। दूसरा हमारे पास किसके लिए प्रूव करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो के लिए फिर वही तीन फंक्शन है एफ जीरो क्या है हमारे पास इक्वल के लिए क्या है माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है माइनस टू एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जीरो माइनस एच माइनस वन, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू और जीरो जीरो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस टू एच माइनस वन, एच टेंस टू जीरो ये क्या हो जाएगा जीरो क्या बचेगा माइनस वन, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है माइनस वन, तो क्या रख देंगे माइनस वन और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन क्या बचे आएगा एज इट इज माइनस वन, अब हमारे पास तीनों क्या आ गए माइनस वन, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, किस किस के लिए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों के लिए फंक्शन कैसा आ गया कॉन्टिन्यूस, और इसमें क्या पूछ रखा था कि डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं, फंक्शन हमारा हमने पहले तो यही वैल्यू निकाली कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये जीरो से माइनस वन तक लाई करता है, दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शन कैसा आ गया कॉन्टिन्यूस, तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो कि आज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।